सर मिट्टी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 12 द नोबल नेचर, आरबीएसई क्लास 12। नोबल नेचर का मतलब है उत्तम स्वभाव। यहाँ कवि उत्तम स्वभाव के बारे में बात कर रहा है, नोबल नेचर के बारे में बात कर रहा है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इन बल्ब को एक बार छोड़ दें। डोथ मेक मैन बेटर बी, डोथ जो अब नया जो डज है उसके रूप में काम लिया गया है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह है बड़ा होना। डज मेक मैन बेटर बी, आदमी महान नहीं बन जाता है इन बल्क आकार के अंदर। यानी एक व्यक्ति अगर आकार के अंदर बड़ा हो जाता है तो वो महान है, नहीं बन जाता है। एक व्यक्ति आकार में बड़ा हो जाता है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, डोथ मेक मैन बेटर बी। आकार में यानी वृक्ष की भांति, वृक्ष की भांति आकार में बड़ा होने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, या लंबी अवधि तक खड़ा रहता है, स्टैंडिंग खड़ा रहता है, जीता है लॉन्ग लंबा जीवन काल। एन ओक की तरह अपना लंबा जीवन काल जीता है, और वो जीवन काल जीता है 300 वर्षों तक का। 300 वर्षों तक का ओक की तरह अगर कोई व्यक्ति लंबा जीवन काल जीता है तो भी वह महान नहीं बन जाता है, क्योंकि वह 300 साल रहने के बाद जो ओक का पेड़ है वो टू फॉल गिर जाता है। लोग एक लट्ठे की तरह, लकड़ की तरह एट लास्ट अंततः ड्राई होकर के यानी कि सूख करके, बाल्ड यानी पत्तियों रहित लीफलेस होकर के, एंड सियर और मुरझा करके, शेपलेस होकर के, मुरझा कर पत्तियों रहित होकर और सूख कर अंततः लकड़ की तरह वह गिर जाता है। एक व्यक्ति के बारे में बात करें कि वो पेड़ की तरह आकार में बड़ा हो जाता है तो भी महान नहीं बनता है, या एक व्यक्ति अपना लंबा जीवन काल एक ओक के पेड़ की तरह जीता है तो भी महान नहीं बन जाता है, क्योंकि 300 साल जीने के बाद वह आखिरकार सूख करके, मुरझा करके और लीफलेस होकर के, है ना, आकार विहीन होकर के गिर जाता है। उसका यही हश्र होता है। व्यक्ति के बारे में कहा गया कि व्यक्ति को अगर महान बनना है तो इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो किस बात की आवश्यकता है? लिली से हमें लेने की आवश्यकता है, जो अपने कह सकते हैं कि लिली से प्रभावित होने की आवश्यकता है, क्योंकि कवि ने लिली के बारे में यह थोड़ा सा बताया आगे स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 2 के अंदर। स्टेंजा नंबर 2 के अंदर हमें कह रहा है कि ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली का जो फूल है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि फूल है ऑफ ए डे, यानी वह फूल एक ही दिन का होता है, उसकी अवधि जो होती है वो एक ही दिन की होती है। इज फेयर फार इन मे, मई के महीने के अंदर फेयर फार और ज्यादा सुंदर लगता है। फेयर फेयर है ना, और ज्यादा सुंदर लगता है मई के महीने के अंदर खिला हुआ, जो कि एक ही दिन का। ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि यह जो फूल है फॉल गिर जाता है एंड डाई मर जाता है, दैट नाइट उसी रात्रि, जिस दिन वह उगता है उसी दिन शाम को या उस रात को वह मर जाता है, मुरझा जाता है, गिर जाता है टूट करके, यद्यपि उसका जीवन काल एक ही दिन का होता है। यहाँ कवि कहता है लिली के फूल से प्रेरणा लेने के लिए बारे में कि वो मई में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, और यद्यपि वह उसी दिन उगता है और रात को मर जाता है, चला जाता है, मुरझा जाता है, गिर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर, ये जो प्लांट है, ये पौधा और ये फूल, ये दोनों ही किसके हैं? ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रतीक है। प्रकाश का मतलब है या प्रसन्नता, खुशी, यानी ये पौधा और ये फूल दोनों ही खुशी के प्रतीक है। यद्यपि उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी यह जो प्लांट है, पौधा है और ये जो फूल है वो खुशी का प्रतीक है, मैं खुशियां देख करके ही जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, अपने छोटे से प्रोपोर्शंस में, अनुपात में, जीवन काल में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम क्या करते हैं, केवल और केवल इसके अंदर सुंदरता को ही देखते हैं। छोटे से जीवन काल में हमें इसमें सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है, सुंदरता के अलावा हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देख सकते हैं।
लिली के पौधे के बारे में कहा गया है। एंड इन शॉर्ट मेशर्स लाइफ में परफेक्ट बी, शॉर्ट मेशर में शॉर्ट अनुपात के अंदर छोटे से जीवन काल में छोटे से माप के, यानी लाइफ का जो छोटा सा अनुपात है, छोटा सा जीवन काल है उसका, उसके अंदर भी परफेक्ट हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। शॉर्ट टाइम के अंदर भी जीने वाले व्यक्ति का मकसद पूरा हो सकता है, उसका जीवन पूर्ण हो सकता है, अल्पकालिक जीवन भी पूर्ण हो सकता है, इसका जीवन अल्पकालीन होता है। प्रोपोर्शन का मतलब है यानी कि आकार, उसका जो आकार है वो छोटा होता है, साइज यानी छोटा होता है, फिर भी हम उसके अंदर सुंदरता देखते हैं, और उसका जीवन का आकार भी बहुत छोटा होता है, नाप अवधि, जीवन का अवधि भी बहुत छोटी होती है, फिर भी हम उसके अंदर सुंदरता ही देखते हैं। अब यहाँ कवि कहता है कि छोटी चीजों में भी वह सौंदर्य हो सकता है जो प्रत्येक को आनंद प्रदान करें, जिस प्रकार की लिली का फूल है उस प्रकार की छोटी चीजों वो चीजें हो सकती है जिससे आनंद आए। आकार में छोटा होने या कम समय जीवित रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई वस्तु सुंदर नहीं है, क्योंकि कम समय तक जीने वाला लिली का फूल है वो भी हमें सुंदरता ही दिखाता है, खुशियां बांटता हुआ जाता है। व्यक्ति अच्छे एवं श्रेष्ठ कार्य करके छोटी सी अवधि में अपने जीवन को संपूर्ण बना सकता है, छोटी सी अवधि में, जिस प्रकार लिली का फूल एक दिन में अपने जीवन को पूर्ण करके चला जाता है, क्योंकि वह उसी रात को मुरझा जाता है, गिर जाता है, मर जाता है, चला जाता है, फिर भी अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है। कवि हमें यह शिक्षा लेने के लिए कहता है कि मनुष्य को अगर महान बनना है तो न उसका आकार बड़ा होना चाहिए, जिस प्रकार ऊपर बताया गया है कि वो पेड़ की तरह अगर बड़ा होता है तो भी मान नहीं बनता है, 300 साल तक वह ओक की तरह जीता है तो भी मान नहीं बनता है, क्योंकि असर उसका वही होता है, लेकिन अगर वह लिली की तरह अच्छे काम करेगा तो छोटे जीवन काल में भी वह मान बन सकता है, अपनी खुशियों को फैला सकता है, बांट सकता है, ताकि लोग उसको बाद में याद रखेंगे। अब इसके अंदर जो पहला स्टेंजा है उसके अंदर कुछ प्रश्न आप कुछ स्टेंजा दे करके और पूछ सकते हैं। पहला स्टेंजा में इसे पूछे गए जो प्रश्न है वो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्हाई डज द पोएट मेंशन इन ओक ट्री ओनली, ओक के बारे में क्यों कहता है, क्योंकि ओक ही ऐसा पेड़ है जो 300 साल तक जीता है, लेकिन उस वह कुछ भी नहीं करके जाता, उसका जीवन सफल नहीं होता है। उसके बाद प्रश्न पूछ सकता है व्हाट हैपेंस विद एन ओक ट्री एट द एंड, अंत में ओक के साथ क्या होता है, तो अंत में ओक के साथ आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है स्पष्ट स्पष्ट कि एट लास्ट वो क्या होता है, वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है, लोग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड शियर होकर के, पत्तियों रहित होकर के और आकार रहित होकर के गिर जाता है। और यहाँ पे शेपलेस का मतलब है शियर, यानी शियर का मतलब है शेपलेस, ये सिनोनिम भी पूछा जा सकता है। दूसरे स्टेंजा के अंदर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न नंबर एक आपका जो पूछा जा सकता है वो है हाउ लॉन्ग इज द लाइफ ऑफ ए लिली, लिली का जीवन होता है वो कितने समय का होता है, तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि लिली का जीवन है वो एक ही दिन का होता है, बताया गया है। व्हाई डज द पोएट गिव एन एग्जांपल ऑफ ए लिली, लिली का एग्जांपल क्यों देता है, क्योंकि लिली एकमात्र ऐसा पौधा है जिसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में खुशियाँ ही बिखेरता रहता है, खुशियों के अलावा किसी को कुछ भी नहीं देख लिया जाता है, इसीलिए लिली का उदाहरण दिया है। और उसके बाद में प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स टू मीट इट्स एंड, यानी मीट इट्स एंड का मतलब आपको पता है कि डाई, क्योंकि यहाँ शब्द आया है डाई, डाई मीन्स मर जाना। और छोटे जीवन काल के बारे में व्हाट इज द पॉइंट्स व्यू अबाउट शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, अल्पकालिक जीवन के विषय में कवि का क्या विचार है, तो द पोइट्स व्यू इज दैट इवन इन अ शॉर्ट लाइफ स्पैन वन कैन मेक वंस लाइफ परफेक्ट बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स, कि एक व्यक्ति है वो अच्छे व श्रेष्ठ कार्य करके अपने जीवन काल में अपने जीवन को संपूर्ण बना सकता है, सही बना सकता है, उसका आनंद ले सकता है, लोगों को उसकी खुशियां दे सकता है। ये भी आप देख सकते हैं कि व्हाई डज द पोएट स्पीक अबाउट स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के बारे में कवि क्यों कहता है, बाय स्पीकिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स द पोएट एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ए शॉर्ट स्पैन लाइफ, यानी छोटे जीवन के बारे में हमें बताना चाहता है। जिस प्रकार एक दिन की लिली का उदाहरण देता है उसी प्रकार वो कहता है कि थोड़े समय में जिक्र भी हम अच्छा काम करके जा सकते हैं। तो ये है आपकी पोइम और इसके हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखे जो कि स्टैंजा देकर के आपसे पूछे जा सकते हैं। जल्द ही हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे और वो वीडियो RBSE 12वीं क्लास और या 10th क्लास जो है 10वीं क्लास उसके सिलेबस पे इंग्लिश पे आधारित होगा। तब तक के लिए जय हिंद और
जय भारत।